अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, कि टोटल फोर्स जो है किसी भी दिए हुए चार्ज पे, मान लो ये एक चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, इस पे जो टोटल फोर्स है ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस, जितने भी इसके अलावा, मान लो एक ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, एक और चार्ज है, ये Q4 चार्ज है। अब यहां पे मान लो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक फोर्स लगाएगा इस पे। अगर इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो इनसे अनअफेक्टेड रहेगी, ध्यान रखना इन दोनों के बीच की फोर्स पे इन दोनों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगी, वो रहेगी चार्ज वन पे टू की वजह से, यानी F12। अब अगर यहीं पे बात करें F3 की तरफ से जो आएगी, तो ये फोर्स रहेगी रिपल्शन फोर्स है, तो ये बाहर की तरफ रहेगी, ये रहेगी F13। ऐसे ही अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन लगाएगा, ये चार्ज रहेगा, ये फोर्स रहेगी F14। यानी कि जो इस पे फोर्स लगेगी वो कूलम्ब फोर्स लगेगी, या कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और जो इन दोनों चार्ज के बीच की फोर्स है वो ये बाकी चार्ज इससे अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब जो दो चार्ज के बीच की फोर्स है वो फोर्स तो रहेगी ही रहेगी, उससे बाकी चार्ज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी वजह से F12 रहेगी, इसकी वजह से F14 रहेगी, और इसकी वजह से Q3 की वजह से F13 रहेगी। तो जो ये टोटल नेट फोर्स होती है, यानी कि F नेट यानी फोर्स नेट जो है, नेट फोर्स जो है वो इन सब का वेक्टर सम होती है, यानी कि ये जो F नेट है ये है F12 का प्लस F13 प्लस F14, जितने भी इसमें चार्जेस हैं, जितने वो फोर्स लगाएंगे उन सभी का वेक्टर सम जो होगा वो नेट फोर्स होगी, और यही जो है यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि जो टोटल फोर्स है वो क्या है, वो वेक्टर सम है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम किसका है, इंडिविजुअल फोर्सेस का, जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस है, जो किसकी, जो चार्ज लगा रहे हैं इस चार्ज पे। द चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है, इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू, दो इक्वल चार्जेस है क्यू, मान लिया एक चार्ज है हमारा ये और एक चार्ज है ये, ये कैपिटल क्यू चार्जेस हैं दोनों, इनको जो लाइन जॉइन करती है इसके बीच में हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया स्मॉल क्यू, यही है क्वेश्चन अभी तक। उसके बाद में शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ये जो सिस्टम हुआ थ्री चार्जेस का, बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा, यदि ये चीज इसके बराबर है, तो हम सिर्फ यहां तक लेके चलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, फिर देखते हैं ये चीज आती है या नहीं आती है। तो मान लिया ये तीनों सिस्टम क्या है, ये क्यू है, इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में होगा, इनकी फोर्स क्या होगी, ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। अब किसी भी पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी इक्विलिब्रियम में अगर चार्ज है तो। अब या तो हम ए को लेके चल ले या बी को लेके चल ले, सेंटर में लेंगे तो क्या होगा कि वो इक्वेशन सोल्व नहीं हो पाएगी, तो या तो आप ए लो या फिर आप बी लो। चलो हमने ए चार्ज ले लिया, ए चार्ज ले लिया, तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले तो ये क्यू फोर्स लगाएगा इस पे, क्यू की वजह से कोई ना कोई फोर्स होगी, तो क्यू की वजह से जो फोर्स होगी, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, पहली फोर्स तो ये होगी। दूसरी इस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, एफ नेट निकाल रहे हैं, तो इस क्यू पे इस स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स है, और दूसरा इस पे जो कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स है, क्यू पे फोर्स है कैपिटल क्यू की वजह से, ये टोटल नेट फोर्स हो गई, और जो नेट फोर्स इस केस में क्या होती है, वो इक्वल टू जीरो होती है। तो अब ये क्या होगी, हमें पता है ये के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया,
तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 2x, टोटल हो गया 2x, तो नीचे क्या हो जाएगा 4x, यहां तक तो x है तो r स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई, फिर उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2x, 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, मैं इसको 4x स्क्वायर लिख दूं, हमने 4x स्क्वायर लिख दिया। अब इनमें से एक को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ये k कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस k q स्क्वायर हो गया, q और q की मल्टीप्लाई q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, अब k उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहां से गया इधर जाके k डिवाइड में हो जाएगा, इधर ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, सॉरी x स्क्वायर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, तो हमारे पास आ गया q स्मॉल q इज इक्वल टू q स्क्वायर, माइनस आगे है ही, और ये क्या है, ये 4, नीचे 4 बचा, अब इस q को भी उधर लेके चलाते हैं, ये q इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक q कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस q बाई 4, और यही कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, यही हमारी आ गई। चार्जेस q1 1.5 मिली कूलम, q2 0.2 मिली कूलम एंड q3 -0.5 मिली कूलम, ये तीन चार्जेस हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, हमारे पास ये गिवन चार्जेस हैं तीन, ये b पोजीशन है, b पे q2 और c पे q3, और r1 और r2, r1 ये है, r2 ये है, इन दोनों की वैल्यू भी दी हुई है, 1.2 मीटर, ये है 1.2 मीटर और ये है 0.6 मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन q2, इस पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, q2 यहां पे है तो हमें यहां पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। थोड़ी देर के लिए मैं देखो इसमें q1 पॉजिटिव चार्ज है, q2 पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ी देर के लिए ये q3 माइनस था तो मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, ठीक है, ये माइनस q3 चार्ज है। अब अगर हमें इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे इसकी वजह देखो, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये कौन सी फोर्स होगी, ये फोर्स चार्ज टू पे लग रही है ड्यू टू चार्ज वन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो अगर इस पे ये फोर्स तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो दूसरी फोर्स लगेगी ये फोर्स क्या होगी, ये फोर्स होगी चार्ज टू पे ड्यू टू चार्ज थ्री, ऐसा ही है। तो चलो अब फोर्स निकालते हैं, फोर्स टू वन यानी फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन क्या होगी, चलो इस फिगर के हिसाब से बढ़ते हैं, k k के बाद क्या होता है, चार्जों की मल्टीप्लाई q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यहां पे r1 दिया हुआ है तो r1 का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r1 है, तो अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, k की होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू q1 क्या है, q1 है 1.5 माइक्रो कूलम है, सॉरी मिली कूलम है, मिली कूलम, मिली कूलम को अगर कूलम में बनाएंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो कूलम बनेगा, तो इसको 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा q2 0.2 सेम, इसको भी 10 रेज टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और r1 का स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर यानी दो बार 1.2 लिख देंगे, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.875, इसको सोल्व करेंगे 1.875 इंटू 10 रेज टू पावर क्या बचेगी 9 माइनस 3 माइनस तो 10 रेज टू पावर 3, इतने न्यूटन फोर्स आ गई। अब अगर वही दूसरी फोर्स हम देखेंगे यानी कि F23 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू चार्ज 3, वो हो जाएगी के सेकंड चार्ज के ऊपर थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स है नेगेटिव था तो नेगेटिव में आगे लगा था, Q3 हमारा नेगेटिव था नेगेटिव आगे लगा दिया मैंने, वो माइनस Q3 लिखते हैं यहां पे फिर उस माइनस को आगे लेके जाना पड़ता तो मैंने पहले ही उसको नेगेटिव में आगे लगा देता हूं। Q2 into Q3 डिवाइड बाई
आर टू स्क्वेयर, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का आर टू डिस्टेंस है जो कि 0.6 है। अब अगर रखें तो ये हो गया 9 × 10^9, क्यू टू क्या है 0.2 × 10^-3, गुलाम बनाने के लिए -10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही देखो, इसका माइनस मैंने ऑलरेडी पहले ले लिया है तो अब मैं नहीं लूंगा, 0.5 × 10^-3 डिवाइड बाई 0.6 × 0.6, 2.5 × 10^3। अब हमारे पास दोनों फोर्स आ गई, F21 जो थी वो तो आ गई ये, और F23 जो फोर्स है वो आ गई ये। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, इसकी रिजल्टेंट फोर्स, ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, और जो एग्जैक्ट फोर्स एक्ट करेगी वो कहीं इस इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब ये एंगल जो है ये कितना है, ये कंप्लीट एंगल, जो बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है दोनों फोर्स के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने पढ़ा था कि अगर एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे, मान लो ये F1 है, ये F2 है, और हमें ये रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलती थी, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो क्या होता था, फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होती थी वो होती थी रूट F1 का स्क्वेयर प्लस F2 का स्क्वेयर, ये हमने 11th में पढ़ा है, प्लस F1 F2 cos थीटा। थीटा यहां पे कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहां पे फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का आ जाएगा F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर। तो यहां पे फोर्सेस ये है और ये है, तो हमें निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे जो नेट फोर्स हो जाएगी तो वो हो जाएगी रूट F1 का स्क्वेयर, यानी 1.875 × 10^3 इसका स्क्वेयर प्लस 2.5 × 10^3 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.125 × 10^3। कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हैं, ये आ गई इतने न्यूटन इसके ऊपर नेट फोर्स। एक स्क्वायर है, उसके चार्ज इधर Q1 है और इधर भी चार्ज Q1 है, यहां पे Q2 है और यहां पे चार्ज Q2 है, और सेंटर में कोई चार्ज है Q। हमें नेट फोर्स अगर इस पॉइंट पे बतानी हो, ये एक स्क्वायर है, मतलब ये जितनी भी डिस्टेंस है ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हमें टोटल फोर्स निकालनी है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, मान लो ये सारे चार्ज पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एक आइडिया लो, कोई भी चार्ज एज्यूम कर लिया मैंने, मान लिया ये सारे चार्ज पॉजिटिव है। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, डायगनल तो ये जाएगा, इधर से डायगनल ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q1 है और ये Q है, तो ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मान लो F01, ये क्यू नोट हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं, तो F01 कि चार्ज क्यू नोट पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगी F01 लगी। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से भी जो फोर्स होगा रिपल्सन फोर्स होगी, तो वो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये मान लिया F0 फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। अब देखो ये दोनों चार्ज सेम थे तो ये दोनों फोर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जीरो, यानी कि टोटल इस पॉइंट दोनों फोर्स की वजह से इस क्यू पे अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो वो फर्क पड़ रहा है सिर्फ जीरो, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये और ये फोर्स दोनों बराबर हैं। अब अगर Q2 की तरफ देखते हैं, Q2 और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा F02 फोर्स लगेगी इस पे, चार्ज क्यू नोट पे ड्यू टू चार्ज Q2 जो फोर्स लगी वो F02 लगी। ऐसे ही ये इसको इस साइड में भगाएगा, ये फोर्स भी होगी F02, ये और दूसरे के अपोजिट इक्वल है और अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ये भी टोटल जीरो हो जाएगी। अगर डायगनली सेम चार्जेस पोजिशन है, हमारे डायगनली पोजिशन है सेम चार्जेस और बीच में कोई चार्ज प्लेस्ड है,
थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, तो इनकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर ये दोनों चार्जेस सेम है और सेंटर पे हमारा कोडाइंगल के सेंटर पे कोई पॉइंट है तो। ऐसे ही अगर अब ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं ऐसे, तो भी हमारी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अब चारों को मिला देंगे तो जीरो प्लस जीरो कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर हमारे डायगोनल पे अपोजिट साइड में सेम चार्जेस हैं और सेंटर में कोई चार्ज है तो टोटल या नेट फोर्स हम कहेंगे उस केस में नेट फोर्स हो जाएगी जीरो। फोर पॉइंट चार्जेस हैं क्यू ए 2 माइक्रोग्राम, क्यू बी -5 माइक्रोग्राम, क्यू सी 2 माइक्रोग्राम एंड क्यू डी -5 माइक्रोग्राम। ये लोकेटेड है कॉर्नर्स पे किसी स्क्वायर की, इसी तरह एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर्स पे ये लोकेट कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो हमें फोर्स निकालनी है किसके ऊपर, एक 1 माइक्रोकुलम चार्ज हमने सेंटर में रख दिया, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो हमें वहां पे उसकी फोर्स निकालनी है। आप लोग इसकी ट्राई करेंगे क्या नेट फोर्स आई, हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10^-6 kg, दो स्फीयर हैं 10^-6 kg के, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सस्पेंडेड है, एक पॉइंट पे सस्पेंड किए गए हैं दो मास बाई सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड की रस्सी से उसको लटकाया गया है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग की रस्सी है और उनसे हमने दो मास को लटका दिया जो इनका मास है 10^-6 kg। दे आर इक्वली चार्ज, वो इक्वली चार्ज हैं, मान लो एक चार्ज क्यू है तो दूसरा भी चार्ज क्यू है, हम प्लस का लेके चलते हैं कि ये प्लस क्यू है तो वो भी प्लस क्यू है। एंड रिपेल ईच अदर टू ए डिस्टेंस, भाई ये लिखने की जरूरत तो नहीं थी कि रिपेल करेंगे, ये तो हमें अंडरस्टूड हो गया उसी से इक्वली चार्ज थे तो वो रिपेल ही करेंगे, ईच अदर टू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे को 20 सेंटीमीटर अपार्ट वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना है और हमें जो जी लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। इस पॉइंट से सस्पेंडेड है, मान लो ये सस्पेंडेड है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमारे दोनों चार्ज सस्पेंडेड हैं, पहला चार्ज तो है ये और दूसरा चार्ज है ये, दो चार्ज हो गए, ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू है। अब इन दोनों पे रिपल्शन फोर्स हो रहा है, रिपल्शन की वजह से इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस जो है ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इससे पहले हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इन सबको भूल जाते हैं। मान लो ये एंगल है थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये एंगल है थीटा। अब देखो स्ट्रिंग की वजह नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितना लगेगा m into g। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इधर जो फोर्स लगेगा वो एक कूलम फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज की वजह से एक कूलम फोर्स लगेगा, तो एक कूलम फोर्स लगा एक ये लगा, पहले तो फोर्स ही देख लेते हैं इसे फोर्स क्या क्या लगेंगे। फिर अब अगर नीचे की तरफ इस पे देखो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ टेंशन होगी, इधर भाई वो अपनी तरफ भी तो पुल करके रखेगी तो ये कोई ना कोई टी फोर्स एक्ट कर रही होगी इस पे, ये एंगल भी थीटा हो गया, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, हम एक तरफ का लेके चलते हैं, सेम चीज इधर भी होगी, हम एक साइड का लेके कर रहे हैं इसको, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर टी टेंशन है, ये टी टेंशन है, अगर यहां पे हम एक फोर्स, टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूं, पहले जनरल चीज समझो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे थीटा ये एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा टी कोस थीटा और ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखो इन्होंने रिपेल किया एक दूसरे को, अब जाके एक जगह इनकी फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गई, ये जाके रुक गए वहां पे, ये जो 20 सेंटीमीटर का जो है वहां पे जाके ये रुक गए। अगर 20 सेंटीमीटर है
ये दोनों जाके रुक गए, रुक गए तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है एक चारों तरफ से जो लग रही है वो फोर्स जीरो है, यानी कि ये वाली फोर्स के इक्वल है। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो टी कोस थीटा है वो एम जी फोर्स के इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। ऐसे ही अगर टी साइन थीटा को देखेंगे तो ये जो कूलॉम फोर्स उस पर लग रही ये उसके इक्वल है, ये कूलॉम फोर्स जो लग रही उसके इक्वल है। अब अगर यहां से मैं इसको सेकंड, ये हो गई ये फर्स्ट हो गई, तो सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट से, तो सेकंड को टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कोस थीटा अगर मैं करूंगा तो इधर आ जाएगा एफ सी यानी कूलॉम फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक क्लियर है? तो T से T कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कूलॉम फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये समझो एक तरह का आपके पास फॉर्मूला आ गया, बस अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है। अब आप कहेंगे कि इसमें थीटा तो दिया हुआ नहीं है, अरे थीटा दिया हुआ नहीं है तो क्या हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो अगर ये सबसे पहले इसी टेन थीटा को सोल्व कर लेते कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर सारी चीजें उसमें हम रख देंगे। हम अगर इस ट्रायंगल को देखें तो यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये जो है ये है 50 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सभी, तो पाइथागोरस थ्योरम से के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 2500 माइनस इसका स्क्वायर 100, तो कितना आ गया रूट 2400 और ये नियरली इक्वल आ जाएगा 49 के, यानी कि ये लेंथ हमारी 49 सेंटीमीटर आ गई। ये अगर हमारी 49 सेंटीमीटर आ गई, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि ये वाली साइड कितनी है 10 डिवाइड बाई जो उससे लगती हुई साइड जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, तो ये एडजेसेंट साइड है ये कितनी है 49, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया 10/49, तो इसकी जगह हम वो रख देंगे। अब अगर हम बात करें कूलॉम फोर्स की, अब ये कूलॉम फोर्स है, कूलॉम फोर्स क्या होगा भाई, चार्ज दोनों इक्वल है तो के इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू और क्यू की मल्टीप्लाई क्या आएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहां पे, यहां पे है 20। अगर अच्छा देखो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 20/100 यानी कि 2 × 10⁻¹, सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं 2 × 10⁻¹, 2 × 10⁻¹ और इसका स्क्वायर, ये हमारा कूलॉम फोर्स आ गया। अब हमने कूलॉम फोर्स भी निकाल लिया। अगर मैं अब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें चाहिए mg, तो mg किसके इक्वल होगा, mg हमें पता है मास तो है 10⁻¹ और जो g हमारे पास दिया हुआ कि 9.8 हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना है, तो 9.8 हमने ले लिया। अब इन सभी वैल्यू को इसमें रख देंगे। अभी टेंजेंट की जगह क्या था 10/49 इज इक्वल टू fc, हमारे पास आ गया k, अच्छा k की वैल्यू भी हम रख सकते हैं 9 × 10⁻¹, हमें पता है ये होती है 10 × 9 × 10⁻¹, q स्क्वायर की जगह हम q स्क्वायर ही रहने देते हैं डिवाइड बाई 2 × 10⁻¹ into 2 × 10⁻¹ क्योंकि स्क्वायर था और डिवाइड बाई इसके है तो 10⁻¹ और 9.8। अब हमें q स्क्वायर निकालना है तो q स्क्वायर को हम इस साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। अभी देखो 10 की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, देखो 10 नीचे सारे मल्टीप्लाई रहे तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी नीचे हो गया 10⁻¹ हो गया 10⁻¹। अच्छा ये देखो पॉइंट, इसमें हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर हमने 10 से मल्टी 9.8 था तो इसका भी पॉइंट खत्म कर दिया। अब इधर कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, हमारी इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। नीचे तो हो गया 10⁻¹ और ऊपर हो गया 10⁻¹, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगी +8 हो जाएगी पावर, तो 10⁻¹⁸ हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 10/49 इज इक्वल टू 9
इंटू 10 रेज टू पावर 18 डिवाइड बाई 2 टू जा 4 इंटू 98 क्यू स्क्वायर। यहां से अब हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.98 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम्ब। ये क्यू की वैल्यू आएगी। आप इससे की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंपल फंडा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। जब अगर सस्पेंड है कोई भी चीज तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, चार्ज की वजह से इस पे कूलम्ब फोर्स लगेगी, और ये जो स्ट्रिंग वाली टेंशन है इसकी वजह से फोर्स लगेगी। जो इसकी फोर्स है वो दो कंपोनेंट है उसके, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट उसके हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, तभी ये उस पोजीशन में सस्टेन रहेगा। बस यही फंडा हमने लगा दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।